मैं वहां पागल होगा शाम से को तुम्हारे लिए मनाने के लिए। क्या मतलब है? मैंने चाहा था कि तुम्हें रानी बना के रखूं, लेकिन तुम नहीं मानी। ठीक है, जो तुम्हारी किस्मत में लिखा है ना वही करो, मुझे फोन मत करो। इतने से थे जब भी कंपनी चला रहा था, जुमा जुमा 8 दिन हुए तो इस कंपनी में आए हुए, मुझे बताओगे? जुमा जुमा 8 दिन हुए होंगे बेशक, लेकिन इस कंपनी का बॉस तेरा बेटा है। तुम एक मैथमेटिकल जीनियस हो, ऑडिट द फाइल्स योरसेल्फ। मुंशी जी, इनोसेंट। अल्लाह हम सबको माफ कर दे। ठीक है, परेशान मत हो, तुम्हारी मां भी जिंदा है, लेकिन आज अंदर की वो औरत जो सर्वर से मोहब्बत करती थी ना, वो मर चुकी है। अब बताएं क्या 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 करना है। सच का सामना, अब्दुल्ला मुझे अब तुम्हारी जरूरत है। मुंशी जी के साथ जो कुछ हुआ, महाजबीन के साथ जो कुछ हुआ, जुल्म, दुख, तकलीफ, नाइंसाफी, सर्वर के साथ क्या करना है, ये सब फैसले तुमने करने, समझ रहे हो ना? Yes. क्या तुम दोनों मुझे मेरी गलतियों के लिए माफ कर सकते हो? आप दोबारा से जिंदा हुई है माँ, सर्वर जैसे इंसान ने आपको आपकी सोच को मार दिया था। बट नो मोर बैटे, अब सिर्फ मैं, आप और अब्दुल्ला, लाइक अ हैप्पी कंप्लीट फैमिली बॉन्ड। यस, लेकिन ये फैमिली बहू के बगैर कंप्लीट कैसे हो सकती है ना? इसमें कौन सी बड़ी बात है, अभी जाकर नाजरीन को ले आते हैं। ये फैसला तो अब्दुल्ला का है। क्यों अब्दुल्ला, अपनी नई जिंदगी की शुरुआत तुम माँ जबीन के साथ करना चाहोगे या शान से? हुँ?
कहाँ जा रहे हो? फैसला करने। Well played, Abdullah. तुम तो बहुत बड़े गेमर निकले। मासूम वो है, हमदर्दी उससे है, याद वो आती है, लेकिन मोहब्बत मुझसे? Shame on you. You're a gamer, Abdullah. तुम्हें जो समझना है तुम समझो। मैं अपना प्रॉमिस नहीं भूला, मुझे याद है। और भले तो तुम भी आ जाओ, कर लो शादी, बस मैं माजबीन को नहीं छोड़ सकता। ओह शट अप गुरु, हेल माजबीन को नहीं छोड़ सकता मैं। तुम्हें क्या लगता है मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बगैर? कोई और मिलेगा नहीं मुझे तुम्हारे बगैर। यू आर द लास्ट पर्सन ऑन दिस अर्थ। स्नैप आउट ऑफ इट, क्योंकि मैं तो बहुत खुश हूं। आई एम रियली हैप्पी, बहुत खुश हूं कि तुम्हारे फरेब का चेहरा मेरे सामने आ गया। अरे तुम मुझे क्या छोड़ोगे? मैं तुम्हें छोड़ती हूं। वो क्या है ना, मुझे तो बस ईसा के बाद एक बेवकूफ लड़का चाहिए था, जो मुझे नहीं बल्कि मैं उससे कंट्रोल करूं। लेकिन नहीं यार, मुझसे तो गलती हो गई। तुम तो बहुत स्मार्ट निकले, तुमने तो खुद से भी ज्यादा बेवकूफ लड़की से शादी कर ली ताकि तुम्हारा मेल ईगो इंटैक्ट रहे। नेवर माइंड, बच गई तुम तो शान से। क्योंकि क्या है ना, तुम और माँ जबीन एक दूसरे के साथ अच्छे लगते हो। यू बोथ कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। दो बेवकूफ। Wait. Let me correct myself. माजबीन तो बेवकूफ नहीं हो सकती। वो कैसे बेवकूफ हो सकती है? एक बेवकूफ लड़की बाप और बेटे को एक साथ थोड़ी ना फंसा लेती। Shut up. What did you say? Shut up. मुझे जो बोलना है बोल दो, लेकिन माजबीन अपनी बीवी के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुनूंगा मैं। जबीन बेटा कुछ खाओगी, चाय पियोगे? नहीं?
कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप? ठीक। ये तुम्हारे लिए। तलाक ना हुआ है? हाँ? नहीं, अब आपके लिए थी। अम्मा के लिए तलाक ना हुआ है? नहीं नहीं, क्या है इसके अंदर? हम्म, कंपनी की तरफ से चेक है आपके लिए भी। किस चीज का चेक? मुंशी जी, मुंशी जी इनोसेंट थे। ये अमाउंट कंपनी की तरफ से आपके लॉस को कंपनसेट करने के लिए। मैं कैसे पता चला कि वो बेकसूर था? जी, मैंने खुद ऑडिट किया था। मैं ऑडिट करा के पता चला कि वो बेगुनाह थे? बेटे, अपनों की ईमानदारी का तो दिल से पता होता है ना? जी कहते थे कि माजबीन मासूम है, बेवकूफ है, लेकिन मुंशी जी तो खुद ही का मकर निकले। हम लोगों से ज्यादा तुम लोगों से प्यार किया उन्होंने। सारी जिंदगी तुम लोगों के आगे पीछे घूमते रहे, ईमानदारी का सबूत चाहिए था बेटा, जानने के लिए ऑडिट करना पड़ा। पता नहीं था क्या? नहीं चाहिए बेटा, नहीं चाहिए। तुम्हारा ही अच्छा, रखो अपने पास। मैं लेने आया हूँ तुम्हें। तुम चलोगे मेरे साथ? मैच करिए टाइम है तुम्हें, ड्रेसिंग सेंस है तुम्हें? हाँ कह देना। हाँ हाँ, नहीं छोड़ूंगा। तुम जाओ ना यार, प्लीज चलो यार अपने घर चलो। नहीं, मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना। नहीं नहीं नहीं, मुझे लेकिन प्लीज मुझे यहाँ से ले जाएं। हाँ, एक कमरा दे दीजिएगा, एक मेरी इज्जत का ख्याल रख लीजिएगा थोड़ा सा। अब से चला भी नहीं जा रहा सही अब्बा, आपको उन्होंने कैसे मारा है? आप प्लीज उन्हें छुड़वा लाए ना, हमारे पास तो पैसे भी नहीं है और कोई हमारा जानने वाला भी नहीं है। और आपको बहुत मुबारक हो। Thank you.
सकेंगे सनम, कर ले जो दुनिया सितम, तेरे बिना मैं मेरे बिना तू जीना सकेंगे सनम, कर ले जो एक करोड़ बहुत बड़ी रकम होती है। एक करोड़ का चेक रिजेक्ट करने वाले तीन ही किस्म के लोग हो सकते हैं, या तो बहुत रईस हो जो कि ये तो नहीं है, या फिर जैसा तुम समझ रहे होगे बहुत मोहब्बत करते हैं तुमसे, इश्क करते हैं, है ना? यस। बेवकूफ लूजर ही हो, लूजर ही रहो। ये वो तीसरे लोग हैं, छोटे खरीब घटिया लोग, पहले मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे थे। मैंने सोचा कि इसे क्यों बनाए, ये तो बना बनाए बेवकूफ है। एक करोड़ क्यों लें जब पूरा लड़का हमारा हो सकता है, जायदाद हमारी हो सकती है। टफर अब समझ में आई ये घटिया लड़ा जाए यहां से। क्या कहे? मैंने सुना नहीं, जरा फिर बोलो। बोलो सर को। हाउ डेयर यू, ये मेरे पिल्ले हो तुम, मैंने तुम्हें पाला है। कुत्ता जो है ना अपने मालिक की हर बात मानता है, समझ में आया? जो मैं कहूं वो करो, बस दैट्स ऑल यू नीड टू डू। बैक ऑफ, बहुत ही लगा। Thank you.
मंसूरा, मंसूरा आई एम सॉरी, मुझसे बहुत बहुत बड़ी गलती हुई, गलतियां हुई। देखो प्लीज मुझे एक दफा माफ कर दो, तुम जो कहोगी मैं वो करूंगा। मैं अब्दुल्ला से माफी मांगूंगा, मैं माजबीन से माफी मांगूंगा, वो मेरा भी बेटा है, वो मेरी भी बहू है। किस किस गलती की माफी मांगोगे? तुम बस एक दफा मुझे माफ कर दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। माजबीन, मंसूर, आई एम सॉरी, मैं प्लीज मुझ कुछ कहो, मैं इस तरह नहीं जा सकता। तुम्हारे जहन में कुछ भी है बस कह दो, मैं सुनना चाहता हूं। अब कुछ कहने को रहा ही नहीं ना, आज कहके क्या करूंगी, हमारे बीच क्या रिश्ता रह गया है, मैं किस चीज का इंतजार कर रही थी, कौन सी उम्मीद लेके बैठी हुई थी, मैं समझ नहीं आई। शहबाज भी सब कुछ छोड़ के गए थे मेरे लिए, शायद इस डर में कि मेरी जिंदगी में मोहब्बत की कमी है, एक शौहर की मोहब्बत की कमी, इसी डर में शायद मैंने तुमसे शादी की कि मुझे तुम्हारी जरूरत है, लेकिन वो जरूरत भी कभी पूरी नहीं हुई। तुम जैसा मर्द बीमारी है, मुझ जैसी औरत की जिंदगी में बीमारी, तुम ना ही मेरा हल हो ना ही मेरा इलाज, मुझे तो अपना इलाज अंदर से, अपना सुकून, अपनी अपनी कदर, अपनी औकात, अपने आप में मोहब्बत अंदर से ढूंढनी होगी, क्योंकि बाहर से तो कुछ नहीं मिला, दुख दर्द धोखा लालच, क्या इन सब चीजों का कोई फायदा हुआ तुम्हें? कितने साल गुजर गए, अब जो भी जिंदगी रह गई है ना सरवर, अल्लाह करे मैं अपने दो प्यारे बच्चों को ना सही रास्ते पे ला सकूं दोबारा, जो तुम नहीं कर सके, जो बाप का प्यार तुम नहीं दे सके, जो एक साया नहीं बन सके उनके सर पे, शायद मैं उनके लिए अब कर सकूं, शायद नहीं, मुझे यकीन है कि मैं कर सकती हूं, क्योंकि आज जहां मैं खड़ी हूं ना, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। नहीं सरवर, एक आम आदमी वो सब नहीं करता जो तुमने हमारे साथ किया है। तुम अपनी बीमारी का इलाज करवाओ, तुम्हें इलाज की जरूरत है, आज मैं समझ चुकी हूं, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। सुरा, पुलिस मैंने पुलिस क्यों आने वाली होगी, खुदा ना खास्ता हमारे घर। नहीं नहीं नहीं, तुझे क्यों लेने आएगी, वो
ने किया हुआ होगा ना, वो बड़ा सा वकील, तो वो, अरे वो है ना हमारे सर पे मंसूरा, वो मदद करेगी हमारी? ऐसे कैसे हो सकता है, इतना चाहती है तेरी बात टालती नहीं, और फिर मैं कहूंगी तो फिर तो कभी वो मना ही नहीं करेगी। सब खत्म हो गया, जिससे मैंने मोहब्बत की हूं वो इतनी नफरत करती है मुझसे। मैं कितना बदनसीब हूं, मुझे तो मां की मोहब्बत भी सही नहीं मिली। सब कुछ ठीक हो जाएगा, देख मैं बैठी हुई हूँ ना, तेरी माँ बैठी हुई, दुआ करूंगी मैं। छोड़, तूने और मैंने दुआ का हक ही खो दिया। जिस जिसने मुझसे सही तरह मोहब्बत की, मैंने उन्हीं का दिल तोड़ा, ये सजा मिलनी चाहिए मुझे। नहीं ऐसे न कह मुन्ने, देख सारा कुछ जो कुछ भी किया मैंने तेरी खातिर तो किया, मैं तो तुझसे बहुत प्यार करती हूँ, तेरे अलावा मेरा है कौन, तेरे सर पे तो मैं आज जो भी हूँ तेरी वजह से ही हूँ। शायद तू मुझे सही वक्त पे रोक लेती तो आज, और तू फिक्र ना कर, मैंने तेरे अकाउंट में पैसे जमा करा दिए, तुझे मेरी कमी महसूस नहीं होगी। हाँ अगर हो सका तो कभी आके देख लिया कर मुझे। मुन्ने बात तो सुन के जा, मुन्ने मुझे ऐसे अकेले छोड़ के मत जा, देख रो क्यों रही हो? हाँ बताओ, पता नहीं क्यों खुद पर खुद रोना आ रहा है, यकीन नहीं आ रहा कि आप सच में मेरे सामने बैठे हो। सॉरी माजबीन, सॉरी। नहीं नहीं नहीं, अम्मा कहती है शौहरों से सॉरी नहीं कहलवाते, गुनाह मिलता है सच में। और पता क्या, दुल्हा अल्लाह पाक की कसम, पता मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम उतना ही प्यार करती हूँ जितना अपनी महबूबा से करते हो, सच में। तुम मुझसे प्यार करती हो ना? हाँ बहुत बहुत। तो आंधा के बाद उसका जिक्र नहीं करना, मुझे नहीं अच्छा लगता। ओके उसका जिक्र करने से तकलीफ होती होगी ना? नहीं तकलीफ नहीं होती, वो जा चुकी है मेरी जिंदगी से भाई। बावली क्या बोला अभी, क्या बोला? हाँ कुछ नहीं, क्या बोल बावली, क्या बोला? हाँ हाँ बोला बावली, मुझे भी तो बावला कहती हो तो बावली को तो बावली कहते हैं ना, तुम हो ना बावली, मैं बावली नहीं हूँ, हो तुम बावले हो। अपनी कोई बातें नहीं देखी तुमने, बावला तेरा पूरा खानदान बावला है। जाओ हाँ जा रही हूँ जा रही हूँ जा रही हूँ। चाहत
चाहत में भी और दर्द में, चाहत में भी और दर्द में, इस प्यार के सदके, इस प्यार के सदके। साथ हो उस प्यार के सदके, उस प्यार के सदके। गुनाह करके बच के निकल जाने वाले को अपनी फिरौनियत पे जो नाज होता है वही नाज है तुम्हें। क्या लगा के फिरते हो, तो खाली है लेंसेस लगाए हुए, ये तो मैं आदत है मुझे पहनने की। अल्लाह मियां, ये क्या बावला दे दिया मुझे। तेरे बिना मैं मेरे बिना तू जीना सकेंगे सनम,
कर ले जो दुनिया सितम, जैसे साथ हम धनक के वो साथ रंग, जैसे साथ हम धनक के वो साथ रंग, उस पल की क्या ही बात हो जिस पल में तेरा साथ हो, इस प्यार के सदके